पल्स कैंडी का नाम आपने सुना ही होगा। पल्स कैंडी बनाने वाली भारत की जानी मानी कंपनी का नाम डीएस ग्रुप है, जिसके संस्थापक सत्यपाल जी हैं। इस कंपनी का इतिहास ज़्यादा लंबा नहीं है, परंतु इस कंपनी ने कम समय में अपनी पहचान पूरे भारत में बना ली है। इस कंपनी ने केवल 8 महीने में 100 करोड़ तक का बिजनेस किया और वर्तमान में इस कंपनी के मार्केट का एक तिहाई हिस्सा इसी कैंडी का है। बेशक बहुत ही कम कंपनी ऐसा होती है जो इतने कम समय में अच्छा ग्रोथ कर पाती है। इस कंपनी ने अपनी गुणवत्ता और स्वाद को बहुत अच्छा बनाकर रखा, इसलिए आज बच्चे हों या बड़े हर कोई पल्स कैंडी खाना पसंद करता है। अब इस कैंडी को बनाने वाली कंपनी विभिन्न स्वाद वाली कैंडी का निर्माण कर रही है और निरंतर अपने व्यापार का विस्तार कर रही है, इसलिए काफ़ी समय में इस कंपनी ने आज दूसरी कैंडी बनाने वाली कंपनियों को पीछे कर दिया। दाम कम होने के कारण हर वर्ग का व्यक्ति इसे खरीद सकता है, परिणाम स्वरूप बच्चों के बीच यह सबसे पसंदीदा कैंडी बन चुका है। जैसा कि हमने बताया, पल्स कैंडी बनाने वाली कंपनी का नाम डीएस ग्रुप है। इस कंपनी की शुरुआत 1929 में हुई थी। डीएस ग्रुप आम के स्वाद वाली कैंडी बनाने के लिए विख्यात है। यह कंपनी विभिन्न प्रकार की कैंडी बनाती है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। डीएस ग्रुप ने फरवरी 2015 को गुजरात राज्य में सबसे पहले पल्स कैंडी का ट्रेल किया। यह कैंडी उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसकी डिमांड देखते हुए कंपनी ने सोचा कि हम इसे पूरे भारत में बेचेंगे और उन्होंने यह निर्णय लेकर अपनी कैंडी को पूरे भारत में बेचना चालू कर दिया। इस तरह से कंपनी का इतिहास ज़्यादा लंबा नहीं है। केवल 5 से 6 साल में इस कंपनी ने एक तिहाई कैंडी मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया और बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण तथा स्वादिष्ट कैंडी बनाने वाली कंपनी बन गई। डीएस कंपनी के मालिक पहले सामान्य वर्ग में थे, उनके पास ज़्यादा धनराशि नहीं। डीएस ग्रुप की स्थापना 1929 में चांदनी चौक नई दिल्ली में हुई। इसके संस्थापक लाला धर्मपाल जी हैं। बाद में इनके पुत्र ने इस कंपनी को खुद चलाने का निर्णय लिया और इस कंपनी का नाम डीएस ग्रुप रखा गया। धर्मपाल के बेटे का नाम सत्यपाल है। इस तरह से यह कंपनी कार्य कर रही है। कंपनी ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि इसके स्वाद और गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े। कंपनी इस बात को हमेशा से अपने कर्मचारियों को बताते रहती थी कि हमारे कारोबार केवल इसी गुणवत्ता और स्वाद पर ही निर्भर है, इसमें हम किस प्रकार की मिलावट नहीं करेंगे। अधिकांश लोग इस कैंडी को पसंद करने लगे। कुछ लोग तो इसका पूरा डिब्बा ही खरीद लेते थे और इसे बड़े चाव से खाया करते थे। कुछ समय ऐसा भी आया जब फर्जी कंपनियों ने इसके डुप्लीकेट कैंडी बनाना चालू कर दिया, परंतु स्वाद के मामले में वो वास्तविक कैंडी से पीछे रहते थे और इसी तरह पल्स कैंडी ने अपना वर्चस्व कायम रखा। पल्स कैंडी की सफलता का सबसे बड़ा राज उसकी गुणवत्ता तथा स्वाद है। इस कैंडी ने अपनी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार का मिलावट नहीं किया। इसके साथ ही इस कैंडी ने भारत के लोगों को स्वाद जाना तथा बच्चों को समझा कि उन्हें किस तरह का कैंडी पसंद आती है। जब उन्हें ऐसा लगता भारत के ज़्यादातर लोग कच्चा आम खाना पसंद करते हैं, उसी को आधार बनाकर इस कैंडी ने अपने स्वाद में कच्चा आम का फ्लेवर डाला और उसमें कुछ मीठा पान भी डाला, जिससे यह कैंडी कुछ ही समय में सफल हो गई। यदि कोई चीज़ अच्छी है तो उसका प्रचार प्रसार अपने आप ही हो जाता है। उसके लिए किसी प्रकार की कैंपिंग करने की आवश्यकता नहीं होती या किसी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट चलाने की आवश्यकता नहीं होती। शुरुआत में कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट चलाया, परंतु बाद में उन्हें कम कर दिया। जब लोग पल्स कैंडी खाते थे तो उसका स्वाद इतना अच्छा था कि लोग स्वयं ही उसका प्रचार प्रसार करने लगे, जैसे मित्र या अन्य किसी रिश्तेदारों को इस कैंडी के स्वाद की तारीफ सुनने को मिलती और इसी तरह से कैंडी के प्रचार होने लगी। आज इस कंपनी का सालाना टर्नओवर यानी नेटवर्थ 6600 करोड़ रुपए हो चुकी है और यह सालाना 12 से 14% की दर से प्रति समय बढ़ रही है। 2015 में इसकी नेटवर्थ 300 करोड़ थी। सोच सकते हैं यह कंपनी कितनी कमा रही है। तो ये थी आज कुछ बातें पल्स कैंडी कंपनी के बारे में। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ और देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूं।